सिंपल सा एक सवाल पूछूंगा, मजाक चल रहा है क्या? आपने बचपन से एक चीज सुनी होगी कि आपके कर्मों का हिसाब वो ऊपर वाला लिखता है, तो क्या उसमें इतना लॉजिक भी नहीं होगा कि आप सही टाइम पे सही तरीके से कितनी मेहनत कितने टाइम पे कितनी ज्यादा कर रहे हो उसको नहीं पता क्या? शॉर्ट में बताता हूँ, आपने बहुत सारे लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी होगी, उन सारी बायोग्राफी के अंदर एक सेंटेंस एक पर्टिकुलर लाइन हमेशा से कॉमन रही कि उन्होंने अपने पर्टिकुलर ड्रीम के लिए अपने सपने के लिए अपने गोल के लिए अपने मकसद के लिए सब कुछ कुर्बान कर लिया, उनके रिलेशंस छूट गए, उनके अपने छूट गए, उनके उनके पर्सनल जो पैशंस थे वो छूट गए, उनके जो बड़े बड़े लाइक ख्वाब थे उन बड़े बड़े ख्वाबों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सब कुछ। उनको फर्क पड़ना बंद हो गया कि लोग उनके लिए क्या सोचते हैं, उनको फर्क पड़ना बंद हो गया कि वो दूसरों के लिए क्या सोचते हैं। उनके सामने प्रॉब्लम्स आती थी, उनके सामने रुकने के मौके आते थे, उनके सामने ऑप्शंस आते थे, उनके पास बहुत सारे रीजंस आते थे कि एक काम करते हैं अब रुक जाते हैं अब छोड़ देते हैं, लेकिन वो नहीं रुके। बेसिक फंडा, अगर आप भी वहां की सक्सेस चाहते हो तो एटलीस्ट ये चीज तो फॉलो करनी ही पड़ेगी कि आपको अपने आप को एक नई दुनिया के अंदर अलग से कैटेगराइज करना पड़ेगा, जिस दुनिया के अंदर आप सिर्फ अकेले होते हो, ना आपका दोस्त आपको सहारा देता है, ना आपके लोग अपने अपने साथ खड़े रहते हैं, ना कोई आप पे तरस खाता है, ना आपको आके कोई सहानुभूति देता है, ना आपको कोई मोटिवेट करता है, ना कोई आपके साथ खड़ा रहता है, आप अकेले वन एंड ओनली वन एंड आर्मी बनकर खड़े रहते हो। लेकिन ये सिर्फ तब जब आप वो वाली सक्सेस चाहते हो, और अगर नहीं चाहते तब तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन खुद को पागल बनाना बंद करो, खुद को बार बार उल्लू बनाना बंद करो ये बोल बोल कर कि हाँ ठीक है ना यार चलता है, अभी थोड़ा ये थोड़ा बहुत मैं बर्थडे के लिए लोगों को विश भी कर देता हूँ, थोड़ा बहुत मैं लोगों के लिए काम भी कर देता हूँ, थोड़ी बहुत लोगों की मदद भी कर देता हूँ, और थोड़ा बहुत ये थोड़ा बहुत वो, तो सक्सेस पूरी क्यों मिलेगी? एक कारण बताओ मुझे, सिर्फ एक कारण कि आपको सक्सेस मिल जाए जबकि उस इंसान को ना मिले जो सुबह शाम दिन रात कुत्तों की तरह मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है अपने काम के अंदर, दिन रात लगा हुआ है खाली पेट लाइक पागल बनकर काम करने में, उसको नहीं मिलेगी, तुम्हें मिल जाएगी, या तुम दोनों को मिल जाएगी, तो क्या उस इंसान के साथ गलत नहीं हो जाएगा? सिंपल लॉजिक एंड फंडा वाली बात कर रहा हूं मैं, अगर समझ पाओ तो समझने की कोशिश करना। कुछ बातें अपने हाथ में होती हैं, कुछ बातें ऑलरेडी अपने पास रास्तों के ब्लूप्रिंट होते हैं, जिन ब्लूप्रिंट पे चलकर आप सामने देख सकते हो कि सक्सेस का रास्ता कैसा होता है। सिंपल से फंडे वाली बात यह है, बहुत सारे लोग जिंदगी में आज उस लेवल पर उस मुकाम पर उस जगह पर हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, तो अगर आप वहां पर पहुंचना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, वो जिस रास्ते से चल के पहुंचे आप भी उस रास्ते पे चल लो। लेकिन ऐसा गलत हो जाता है जब हम लोग उस रास्ते के कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं और कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हम अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली उस रास्ते उस ब्लूप्रिंट को चेंज करते चले जा रहे हैं, और आखिरी में सोचते हैं कि रिजल्ट हमें उन जैसा ही मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता, या तो उनसे ज़्यादा हार्डेस्ट तरीका आपको अपनाना पड़ेगा या तो स्मार्टेस्ट तरीका। कमाल की बात यह है, स्मार्टेस्ट तरीका भी वही इंसान अपना सकता है जिसने हार्डेस्ट रास्ता अपनाया है। अगर आपने एक टाइम पे पूरी रात जाकर मेहनत करी है तब जाके आप उसका शॉर्ट फार्मूला निकाल सकते हो। डायरेक्ट किसी का शॉर्ट फार्मूला सुनकर अगर अप्लाई करोगे तो कभी भी उस शॉर्ट फार्मूला की कीमत आपको समझ में नहीं आएगी, या उस शॉर्ट फार्मूले से किए गए उस रिजल्ट की वैल्यू आपको नहीं पता चलेगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप सच में अपनी लाइफ के अंदर वो सक्सेस चाहते हो जो बेशुमार है, वो सक्सेस चाहते हो जिस सक्सेस के आगे पीछे आपको किसी और बात से फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस सक्सेस के लिए वैसी मेहनत करो। उससे नीचे की सक्सेस चाहिए तो अपने आप को पहले बताओ, खुद को याद दिलाओ कि नहीं, अगर तू आज इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है तो तेरे को यही चीज़ मिलेगी। उम्मीदें टूटती हैं, बिलीव्स कम होते हैं, खुद के सपने टूटते हैं, वो सिर्फ तब होता है जब वो वेल प्लान्ड नहीं होते, जब हम लोग खुद डिसाइड नहीं करते हैं कि एग्जैक्टली आपको कहाँ तक जाना है। सक्सेस के भी एक पर्टिकुलर स्टेप से एक लिमिट्स होती हैं, अगर आप अनलिमिटेड ऊपर जाना चाहते हो तो आपको अनलिमिटेड सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, और एक लिमिटेड सक्सेस चाहते हो तो एक लिमिटेड सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। लिमिटेड सैक्रिफाइसेस करने हैं या अनलिमिटेड, इस बात पे गौर जरूर फरमाना, और इस बात से अगर आपको हिम्मत मिली है कि एक टाइम के बाद आपने जो सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा, बस उसके लिए उतने एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि कहा जाता है आपकी हर एक मेहनत का हर एक सेकेंड का हिसाब रखा जाता है, एक पल आपका वेस्ट नहीं होगा, ये बात सच है। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि आप कितने टाइम अपने आपके साथ हो, कितने टाइम आपने मेहनत करी है, कितने टाइम आप अपने साथ खड़े हो, और कितने टाइम तक आंख बंद करके लाइफ टाइम अपने लिए अपनी बेस्ट फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो। मुझे भरोसा है आप अपनी लाइफ के अंदर कभी भी अपने आप को झूठ नहीं बोलोगे, मुझे भरोसा है आप अपने आप को कभी भी किसी और चीज़ों के कारण रोकोगे नहीं, और अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए सही सा बेंचमार्क बनाकर अपनी लाइफ को वेल एंड गुड जरूर बनाओगे। वेल दोस्तों, था सुजीत कवितानी SGU मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर। मेरे थॉट्स अलग हैं, अजीब हैं, लेकिन कई दफ़ा अगर कॉपी पेन उठाकर देखोगे ना तो वैलिड भी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या इस थिंकिंग के सहारे
आप ऊपर उठना चाहोगे।